पर हम सात चक्र के अलावा भी दो और चक्रास की बात करेंगे जो है गुरु चक्रास। I'll just read it out to you. जो मेन चक्रास है सात वो है रूट, जो यहाँ नीचे रेड है, नीचे से ऊपर चलिएगा प्लीज, सब लोग यहाँ देखिएगा, रूट चक्रा है, ठीक है, जिसको हम मूलाधार भी कहते हैं। फिर हमारा है सेक्रल चक्रा, जिसे हम स्वाधिष्ठान कहते हैं, उसके ऊपर आता है येलो कलर का जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, ठीक है, जिसे हम मणिपुर चक्रा कहते हैं। फिर आता है हमारा हार्ट चक्रा ग्रीन कलर का, जिसे हम अनहता चक्र कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्रा, जो यहाँ थ्रोट में होता है, जिसे हम विशुद्धि कहते हैं। उसके ऊपर होता है अजना चक्र, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। और सबसे ऊपर जहां पर आप यहाँ ऐसे हाथ लगाओगे, अच्छा आप लोगों को याद है जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ये पार्ट काफी सॉफ्ट होता है, व्हाई इट इज सो, दैट इज द सहस्त्रार चक्र का वो पॉइंट होता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि उसको जोर से नहीं लगनी चाहिए, उसको सिर पे मत मारो, यहाँ पर स्पेशली मत मारो, थपकी भी देनी है तो यहाँ पर मत दो, बिकॉज उस वक्त उसका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअली होता है, उसके पास्ट लाइफ से होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिर्फ बड़े लोग कहते हैं, लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पाए आज तक कि ये क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है ना, क्यों करें हम, क्यों नहीं करें, बट इनको कभी समझने की कोशिश नहीं की है। तो ये यही रीजन है कि यहाँ से कनेक्शंस होती है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद आते हैं दो मेन गुरु चक्रास। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट से बताऊंगी, द कलर वुड बी, बताइए कौन सा कलर लिया जाए, अलग ही लेते हैं थोड़ा। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, अगर मेरा ये कर्सर देख रहे हैं, प्लस साइन दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पर ये आपके बालों की जो रेखा होती है, यहाँ से बाल शुरू होते हैं हमारे जनरली, ठीक है ना, यहाँ से बाल शुरू होते हैं, जहां पर आप हेयरलाइन होती है, जहां पे टच करते हो ना, जहां पर हेयरलाइन शुरू होती है, ये पॉइंट, ठीक है। तो एक चक्र यहाँ होता है, उसको आप कहते हैं भ्रुकुटी, तो सबसे नीचे यहाँ दिया हुआ है सेकंड लास्ट भ्रुकुटी, ओके। और उसके और थर्ड आई के बीच में यहाँ पर समझेगा, ओके अभी ये पिक्चर अच्छे से ज्यादा क्लियर है? अभी देखिए ये आपके बाल आ गए, ठीक है, यहां तक आपका ये बाल का आ जाता है। उसके बाद ये है रूट जो है यहां पर, ये आपका हो गया भ्रुकुटी चक्रा, है ना, और उसके और यहां पर उसके बाद आता है आपका त्रिकुटी, ठीक है। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो ये दोनों लिख लीजिए, याद नहीं रहता है, भ्रुकुटी और त्रिकुटी, ये दो इसमें मेन होते हैं गुरु चक्रास, ठीक है। इसके बाद हम नाड़ियां भी देखेंगे, किस तरह से नाड़ियां होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चक्रास हैं, आपको इनकी प्लेसमेंट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि हुंकारा विद हलीम में ये आपको काम आएंगे। सबको क्लियर हो गया यहाँ पर? Should I remove it?
Yes, ma'am. Yes. Great. Just give me a second. No, it's not good. Okay, fine. चलिए तो ये दोनों चक्रास आपको क्लियर हो गए कि हमारे सात की जगह नौ चक्रास हैं, ये होते हैं एक्चुअली चक्रास जो है वो 114 होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, बट जो जिस भी मोडेलिटी पे जिस चीज की रेलिवेंस है हम उसी पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लामा फेरा में जैसे हम सेवन चक्रास पे ही काम करते हैं, हुंकारा विद हलीम में हम नाइन चक्रास पे काम करते हैं, सेवन चक्रास के अलावा दो गुरु चक्रास हैं जो हैं भ्रकुटी और त्रिकुटी। फाइन, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ग्रेट, यस। चलिए यहाँ मैंने थोड़ा सा और ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का, अगर आप लोगों को क्लियर होता है तो, क्योंकि ये सारे चक्रास हम लामा फेरा में भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें ये जो भ्रकुटी और त्रिकुटी है इसको श्री विद्या में काउंट किया जाता है। अब इसकी जो है ट्रेडिशंस होते हैं अलग अलग, हर एक मोडेलिटी जैसे मैंने आपको कहा उसमें एक श्री विद्या ट्रेडिशन होता है जिसके अंदर भ्रकुटी और त्रिकुटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसका भी एक पार्ट हम यहाँ उंकारा विद हलीम में लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम पहले एक काम करते हैं, आज गुरु चक्र और इन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी सीख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आप लोगों को सेवन चक्रास के बारे में भी बताऊं तो वो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, तो कल सबसे पहले क्लास में मैं आपको उन्हीं के बारे में डिटेल्स दूंगी, अदरवाइज आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहीं से चालू कीजिए। यस यस। ओके विद एवरीवन। Yes, ma'am. Seven. Ma'am, yahi se chala hai. Yes, ma'am. Chakras ke baare mein pata hai. हाँ, great. So as per Shri Vidya tradition, Prakuti and Trikuti are two guru chakras. ठीक है? Prakuti and Trikuti. हम नाड़ी में. यहाँ पे query पूछ लूँ? हाँ, पूछिए please. आप लोग ना अपना hand raise कीजिएगा. Sure. क्योंकि क्या होता है ना वो फ्लो में गड़बड़ हो जाता है फिर एकदम। सॉरी मैम। हाँ बोलिए बोलिए। ये जो श्री विद्या है यहाँ पे सिर्फ हम भ्रकुटी और त्रिकुटी नारी पढ़ते हैं या फिर इनमें और भी होती है और ये इनके पार्ट है? वो अलग चीजें हैं, वो बहुत डीप स्टडी होती है, उसके और भी अलग अलग पार्ट होते हैं, बट ये हमने कहाँ से लिया है उंकारा विद हलीम में ये जो गुरु चक्रास है इसका रेलेवेंस क्यों है, ये कहाँ से लिए गए? देखिए सोर्स हमें पता होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, ये सोर्स है ट्रेडिशन जो है वहां से ये गुरु चक्र का जो कंसेप्ट है वो लिया गया। ओके चलिए, अब गुरु चक्र जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? ब्रह्म नाड़ी में। मैं अभी आपको इसके बारे में भी डिटेल दूंगी क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्रह्म नाड़ी भी होती है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो गुरु चक्रास होते हैं वो होते हैं हमारे ब्रह्म नाड़ी। ओके, म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसका भी अनम्यूटेड है। जब ये चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, गुरु चक्रास क्यों इम्पोर्टेंट है? जब ये चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं तो माइंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो अब देखिए, मैंने बेनिफिट्स में आप लोगों को बताया था, दिमाग का जहां भी काम है वहां पर हुंकारा विद हलीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा था मैंने आपको ये, बिकॉज ये आपकी ब्रेन एक्टिविटीज को बढ़ाता है। अब आप इसमें देखिए कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, आपके गुरु चक्रास इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज वो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, राइट? यही आपको यूनिवर्सल एनर्जी से भी कनेक्ट करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, हम लोग कहते हैं कि आपने थर्ड आई कर लिया, थर्ड आई मेडिटेशन हो गई हमारी, वो सब हो गया,
ठीक है, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, बहुत सारी चीजें सुनने को भी आती है और बहुत लोग उनके ऊपर काफी वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने सहस्रार चक्र को एक्टिव कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि सहस्रार चक्र जो है वो अल्टीमेट चक्र है, उसके ऊपर एक और चक्र होता है जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम, अगर हम डीप में जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक्स में आपको ये बताना चाहूंगी इसमें कि जब थर्ड आई चक्र और सहस्रार चक्र को कनेक्ट करना है तो उसके बीच में भी एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड आई हर किसी का एक्टिवेट नहीं होता है, दैट इज द इंट्यूशन। अगर किसी को कुछ होते हैं जो कहते हैं ना हम गॉड गिफ्ट हैं, या हम इनबॉर्न इंट्यूशंस होती हैं हमको, जब से हम पैदा हुए हमें इंट्यूशंस होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका किसी एक परसेंट तक उनका थर्ड आई एक्टिवेट है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाता है क्योंकि हम सराउंडिंग्स में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं, झूठ सच इल्यूजन सब में यू नो वी डील, सो हमारा वो जो थर्ड आई होता है उसका एक्टिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। हर बच्चा बॉर्न होता है इससे थर्ड आई एक्टिवेटेड होती है उसकी, हर बच्चे की, बट धीरे धीरे वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी थर्ड आई को अगर आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, यूनिवर्सल एनर्जी से, सहस्रार से, और जो लाइट होती है जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट लाइट, उससे कनेक्ट करना है तो आपको अपने गुरु चक्रास एक्टिवेट करने पड़ते हैं। गुरु चक्रास एक्टिवेट क्यों करने पड़ते हैं? जैसे कि नाम है गुरु, क्योंकि गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको गुरु चक्रास कहा गया है कि यहां तक तो आप आ गए, आपके इल्यूजन सब हट गए, लेकिन फिर भी आपको रास्ता मार्ग जो है वो कौन आपका आपको दिखाएगा? वो आपका गुरु ही आपको दिखाएगा और ऊपर तक लेकर जाएगा। क्लियर, इजी ना? गुरु चक्रास एक्टिवेट होने पर क्या क्या होता है? गुरु चक्रास एक्टिवेट होने पर हमें हायर विजडम मिलती है। विजडम का मतलब होता है बुद्धि, बेसिकली किसी भी चीज कार्य को करने का जो सही तरीका है, ट्रुथफुल तरीका है, वो हमें समझ आता है, दैट इज कॉल्ड द विजडम। इनर लाइट, आपको आत्म शक्ति जिसको कहा जाता है, लाइट यहाँ पर शक्ति से मतलब है, जो आपके अंदर की सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ आपके अंदर जो पावर्स हैं उनको हाईलाइट करता है, ठीक है। इंट्यूशन लेवल बढ़ाता है 100%। आपको डिवाइन गाइडेंस होती है बिकॉज गुरु आपके साथ आ जाते हैं, गुरु चक्रास एक्टिवेट होंगे तो ऑब्वियसली आपको गाइडेंस अच्छी मिलेगी, राइट। इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है हमारे आसपास का और हमारे अंदर का, उसको समझने में हमें आसानी होती है, दैट इज द नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल वर्ल्ड। सही डायरेक्शन, सही डिसीजन लेने में ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आई जस्ट रीड इट आउट टू यू, देन आई विल एक्सप्लेन। एज वी कंटिन्यू आवर मेडिटेशन, वी पास थ्रू दिस इल्यूमिनेटेड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड गो बियॉन्ड दिस ब्रह्मनाड़ी एट सहस्रार चक्र, वेयर टोटल ऑफ ऑल आवर स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस आर कंप्लीटेड ब्लेंडेड इन वन विजडम। वही चीज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि हमारे इल्यूजन, मतलब सॉरी, जो इल्यूमिनेटेड हमारी जो कॉन्शियसनेस फील्ड है, जो हमारा थर्ड आई है, जब वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद हमें सहस्रार तक जाने के लिए गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, वो हमारा गुरु चक्र हमको हेल्प करता है। आई होप सो गुरु चक्र के बारे में इट्स ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं ब्रह्म नाड़ी पे जाऊंगी।